जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं सूरज कुमार पटेल आज आप लोगों को कोशिका विभाजन के बारे में बताऊंगा, सेल डिवीजन के बारे में। यदि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है या फिर कोशिका के बारे में नहीं जानते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप कोशिका के बारे में जान सकते हैं। मैंने 4 वीडियो डाला हुआ है कोशिका के बारे में, उसको देखने के बाद यदि आप इसको जानेंगे, इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त होगा। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग कोशिका विभाजन के या सेल डिवीजन के बारे में। हम जानते हैं कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिका का निर्माण होता है और हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो किस प्रकार से एकदम छोटे होते हैं और वो एकदम से फिर धीरे 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 करके बड़े होने लगते हैं और उसका कारण कोशिका विभाजन ही है। हम देखते हैं कि जो पुरानी कोशिका होती है उसी से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। तो इसी बात को सर्वप्रथम रुडोल्फ विर्चो के द्वारा 1855 ईस्वी में बताया गया था कि जो पुरानी कोशिका होती है उसी से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि हम लोग के जो शरीर है उसमें लगभग 2 ट्रिलियन कोशिका हर दिन कोशिका विभाजन होता है। हम आगे देखते हैं कि जो सेल, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि पेड़ पौधे या फिर मनुष्य में भी, जैसे देखते हैं हम लोग कि पेड़ पौधे में बीज से पौधे का निर्माण, पौधे से फिर पेड़ का निर्माण होता है और पेड़ से फिर फूल, फूल से फिर फल का और फल से फिर बीज का निर्माण होता है। तो ये एक प्रकार से एक साइकिल के रूप में चलता है। तो उसी प्रकार हम लोगों के शरीर में भी जो कोशिका का विभाजन होता है वह भी पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिका का निर्माण होता है। उस समय हम देखते हैं कि यह एक चक्र के रूप में चलता है। जो पुराना कोशिका है वह नया कोशिका और जो नया कोशिका होता है वही फिर पुराना कोशिका में बदलकर नई कोशिका का निर्माण करता है। तो इस प्रकार ये एक चक्र के रूप में चलता है। इसी चक्र को सर्वप्रथम हावर्ड और पेले के द्वारा 1953 ईस्वी में बताया गया था कोशिका चक्र के बारे में या फिर सेल साइकिल के बारे में। तो इसमें हम देखते हैं कि कोशिका जो चक्र की अवस्था है वह 2 चक्र में कंप्लीट होता है और उसमें फिर और सब डिवीज़न है, लेकिन हम इसको पहले देख लेते हैं कि जो पहला होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज। और इसी में फिर देखते हैं हम लोग कि जो इंटरफेज होता है या अविभाजन अवस्था होता है, इसमें मतलब कोशिका का विभाजन नहीं होता है, इसमें केवल कोशिका विस्थिर अवस्था में होता है। एक ही प्रकार का कोशिका, मतलब जितने भी कोशिका होते हैं वो स्थिर रहते हैं। और जो एम फेज होता है या माइटोटिन फेज होता है उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यह होता है कोशिका, मतलब कोशिका में हम जानते हैं कि कोशिका के अंदर में साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर में केंद्रक होता है और उसी केंद्रक में ही ये सारे जो 4 स्टेप है ये कंप्लीट होता है और उसको जो लास्ट है साइटोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस होता है, लास्ट होता है कोशिका विभाजन का, लास्ट होता है इसमें, फिर लास्ट बोल सकते हैं या कोशिका विभाजन का अंतिम स्थिति बोल सकते हैं इसमें। और यह किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। पहले कोशिका का, पहले केंद्रक विभाजित हो जाता है उसके बाद में फिर साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है, इसको हम लोग आगे अभी देखेंगे। तो यहाँ मेन रूप में हम लोगों ने देखा कि सर्वप्रथम कोशिका विभाजन को रुडोल्फ विर्चो के द्वारा देखा गया था 1855 ईस्वी में। दूसरी बात देखा हम लोगों ने कि सेल साइकिल होता है उसको हावर्ड और पेले के द्वारा 1953 ईस्वी में बताया गया था। और इसमें कोशिका चक्र में 2 अवस्था होता है, एक इंटरफेज होता है और दूसरा एम फेज होता है। इंटरफेज या अविभाजित अवस्था में इसमें देखते हैं कि इसमें G0 होता है, G0 है, उसके बाद G1, S मतलब सिंथेसिस होता है और G का मतलब होता है गैप अवस्था या गैप प्रवस्था होता है, तो G2 ठीक है, इसको हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। हम देखते हैं कि जो पुरानी कोशिका होता है उसी से नया कोशिका का निर्माण किस में नहीं होता है। तो हमारे शरीर में जो ब्लड सेल या RBC या फिर जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसका जो पुरानी कोशिका होता है उससे नया कोशिका का निर्माण नहीं होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सा है, लाल रक्त कणिका है, दूसरा है तंत्रिका कोशिकाएँ और तीसरा देखते हैं कि रेखित कोशिकाएँ और चौथा देखते हैं कि नर एवं मादा युग्मकों का जो विभाजन होता है वह केवल एक बार विभाजन होने के बाद में, फिर एक बार संयुग्मन होने के बाद में फिर उसमें विभाजन करने की क्षमता नहीं होता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो
पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिका का निर्माण नहीं होता है वो कौन कौन सा है, रेड ब्लड सेल है, दूसरा है तंत्रिका तंत्र, तीसरा है रेखित कोशिकाएं और चौथा है नर एवं मादा युग्मकों का एक बार बस विभाजन होने के बाद में फिर दोबारा विभाजन की क्षमता नहीं होता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इन सब के बारे में डिटेल में, हम लोग देखते हैं कि कौन सा किस फेज में किस प्रकार से होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसमें कोशिका चक्र में कि कोशिका चक्र को एक चार्ट के रूप में यदि प्रदर्शित किया जाए तो इसमें हम पाते हैं कि जो G0 फेज होता है वह विरामावस्था होता है, मतलब इसमें कोशिका विभाजन के बाद में वह थक गया होता है तो आराम करते रहता है, इसलिए यह जीरो फेज होता है। G0 फेज होता है तो इसको क्या बोलता है, विरामावस्था बोला जाता है, विरामावस्था बोला जाता है। और देखते हैं कि इसके विरामावस्था मतलब विराम हो जाने, विराम करने के बाद में यह उठता है, जगता है, उसके बाद में देखते हैं कि यह काम करना चालू कर देता है। तो इसमें ना यह क्या करता है, वृद्धि करता है, इसमें विभाजन नहीं करता है, केवल वृद्धि बस करता है। उसके बाद में देखते हैं कि जो इसमें एस फेज होता है, एस फेज होता है उसमें वृद्धि व रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होता है आरएनए डीएनए का। उसके बाद में G2 फेज देखते हैं इसमें हम लोग, तो कोशिका विभाजन होने के लिए इसमें तैयार हो गया रहता है कि हाँ भाई अब मैं तैयार हो चुका हूँ कोशिका विभाजन के लिए, ये वाला फेज होता है G2 फेज होता है। उसके बाद में जो M फेज होता है वह M फेज में ही कोशिका का विभाजन होता है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि किस अवस्था में या किस फेज में कोशिका का विभाजन होता है, तो M फेज में होता है, और M मतलब माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज में कोशिका का विभाजन होता है। हम लोग इसमें आगे देखेंगे कि इसमें जो M फेज में यह टोटल 5 फेज में यह कंप्लीट होता है, उसमें जो 4 फेज होता है वह केंद्रक में होता है और एक फेज होता, जो एक फेज बचता है वह साइटोप्लाज्म में होता है। तो इसमें जो केंद्रक में होता है उसमें होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये 4 फेज होता है यह केंद्रक में होता है। और केंद्रक के विभाजन होने के बाद में, केंद्रक विभाजन होने के बाद में यह केंद्रक कोशिका के इसके ध्रुव की ओर चला जाता है, मतलब एक किनारे में चला जाता है, और उसके बाद में फिर ये इसका साइटोप्लाज्म का होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि घर में जैसे आटे को गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, उस समय वह काफ़ी बड़ा हो गया रहता है, इतना बड़ा सा, तो उसको हम लोग बीच में ऐसे करके उसको दो टुकड़ा कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से फिर इसमें भी कोशिका में भी ऐसे ही होता है। तो चलिए हम लोग इसको और डिटेल में देखते हैं कि कोशिका का प्रत्येक अवस्था में किस प्रकार इसमें अंतर होता है और किस प्रकार से इसमें विभाजन होता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इंटरफेज। हम लोगों ने अभी तक देखा है कि कोशिका का विभाजन दो अवस्था में पूरा होता है, एक होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज। तो हम लोग अभी देखेंगे इंटरफेज। इंटरफेज में भी तीन भाग होता है इसमें, G1, S और G2 होता है। तो चलिए हम लोग इसके आगे देखते हैं। यह लगभग कोशिका विभाजन में जितना भी समय लगता है उसका लगभग 95% भाग इसी का ही होता है। यह तीन भागों में पूरा होता है। तो इसमें पहला देखते हैं हम लोग G1 फेज। यह प्रथम अंतरावस्था होता है, मतलब पहला इंटरफेज होता है। पहला अंतरावस्था या फिर फर्स्ट इंटरफेज अवस्था होता है। दूसरा देखते हैं हम लोग इसमें जैविक अणु का निर्माण करता है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सब का इसमें निर्माण करता है। इसमें जैविक अणु का निर्माण करता है। दूसरा देखते हैं हम लोग एस फेज। एस का मतलब होता है यहाँ सिंथेसिस फेज। यहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन करके डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। डीएनए का इस प्रकार हम देखते हैं कि जो एस फेज होता है वह सिंथेसिस फेज होता है, मतलब इसमें जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और रेप्लिकेशन क्या होता है, हम लोग पिछले वीडियो हम लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया है। तो यहाँ डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन होने के बाद में एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण हो जाता है, यही इस फेज में होता है। आगे देखते हैं हम लोग G2 फेज।
जी टू फेज को हम लोग देखते हैं, इसमें जो जी टू फेज होता है यह एस फेज और जो एम फेज है माइटोटिक फेज होता है, अगले हम लोग देखेंगे उसका यह मध्य अवस्था होता है। एस फेज व एम फेज, इसमें यह कोशिका विभाजन के लिए जितनी भी आवश्यक प्रोटीन एंजाइम का होता है उसका यह संग्रहण करके रखा रहता है, और यह अवस्था यही अवस्था होता है जिसमें यह पूरी तरह से कोशिका विभाजन के लिए कि मैं अब तैयार हो चुका हूँ ऐसा इस अवस्था में होता है कोशिका विभाजन के लिए। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं माइटोटिक फेज, चलिए हम लोग आगे देखते हैं एम फेज या माइटोटिक फेज। एम फेज यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है साइटोकाइनेसिस और दूसरा होता है केंद्रक विभाजन, और दूसरा होता है साइटोप्लाज्म विभाजन। एक होता है केंद्रक विभाजन और दूसरा होता है साइटोप्लाज्म विभाजन, मतलब केंद्रक का विभाजन होने के बाद में ही साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। केंद्रक के बारे में हम लोग जानते ही हैं, कोशिका चैप्टर में हम लोग को पढ़ लिया है या देख लिए हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन यह किन किन अवस्थाओं में होता है और यह साइटोप्लाज्म फिर किन किन अवस्थाओं में होता है उसको देखते हैं। यह केंद्रक विभाजन को नाभिक विभाजन या फिर कैरियोकाइनेसिस भी बोला जाता है, तीन नामों से इसका तीन नाम है, केंद्रक विभाजन, दूसरा नाभिक, केंद्रक नाभिक भी बोला जाता है, और नाभिक को ही क्या बोला जाता है इंग्लिश में या फिर बायोलॉजी टर्म में बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है केंद्रक और काइनेसिस का मतलब विभाजन, कैरियोकाइनेसिस, और यहाँ साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म होता है और काइनेसिस का मतलब विभाजन होता है। तो कोशिका द्रव्य का विभाजन और यहाँ होता है केंद्रक विभाजन, केंद्रक का विभाजन। तो यहाँ देखते हैं हम लोग जो केंद्रक विभाजन होता है वह तीन भागों में होता है, एक असूत्री, समसूत्री और तीसरा होता है अर्धसूत्री, इसको हम लोग अभी देखेंगे। असूत्री, दूसरा है समसूत्री और तीसरा होता है अर्धसूत्री। असूत्री को बोला जाता है एमाइटोसिस, और इसको बोला जाता है समसूत्री को माइटोसिस, और इसको अर्धसूत्री को बोला जाता है, अर्धसूत्री को बोला जाता है मियोसिस। यह इंग्लिश शब्द से अच्छा है कि हिंदी शब्द को हम लोग पकड़ें और उसको समझें। असूत्री मतलब जिसमें कोई फार्मूला ना हो, जिसमें कोई सूत्र ना लगता हो, उसको क्या बोला जाता है असूत्री। तो असूत्री इसमें उन कोशिकाओं में होता है जो प्रोकैरियोटिक होता है, हम लोग प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में जान चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो असूत्री होता है उसमें कोई भी फार्मूला या फिर किसी भी प्रकार का फार्मूला या फिर सूत्र नहीं होता है। तो इसमें सूत्र का मतलब यहाँ क्रोमोसोम होता है, लेकिन हम लोग समझने के लिए अपने शब्दों में इसको याद कर सकते हैं कि असूत्री मतलब जिसमें कोई सूत्र ना लगता हो, असूत्री कहा जा सकता है। असूत्री किसमें होता है, जिसमें जो प्रोक्रियाटिक जीव होते हैं उसमें असूत्री विभाजन होता है, जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उसमें, छोटे छोटे जीव जंतु जिसको सूक्ष्मदर्शी में हमें देखना पड़ता है, छोटे छोटे जीव जो सूक्ष्मदर्शी में हम देख पाते हैं उन्हीं में ही यह क्या होता है असूत्री विभाजन होता है, उसमें कोई भी सूत्र का फार्मूला या का नहीं होता है, जैसे चाहते हैं वैसे ही वो लोग क्या कर लेते हैं कोशिका विभाजन कर लेते हैं। तो समसूत्री विभाजन देखते हैं, इसमें ना समान रूप में विभाजन होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि कहीं यदि कट छड़ जाता है तो वहाँ कोशिका का विभाजन देखते हैं हम लोग कि जो पहले जैसा कोशिका था सेम वैसे ही कोशिका फिर से निर्माण हो जाता है। तो यहाँ कैसा होता है समसूत्री विभाजन होता है, और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें मियोसिस, अर्धसूत्री मतलब जितने भी कोशिका पहले रहता है वह बाद में आधा हो जाता है, मतलब अर्धसूत्री कहा जाता है उसमें। तो यहाँ हम लोग समसूत्री के बारे में देखते हैं कि समसूत्री में देखते हैं कि जो 2n मान के चलते हैं, 2n क्रोमोसोम की संख्या है,
तो माइटोसिस में हम देखते हैं कि एक केंद्रक या माइटोसिस में हम देखते हैं कि एक कोशिका में यदि 2N क्रोमोसोम है तो यह 2N क्रोमोसोम में ही दो कोशिका का निर्माण करता है, और वहीं देखते हैं कि अर्धसूत्री में यह 2N से चार संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। यहाँ हम देखते हैं कि जो पहले वाला जो सेल होता है, पहला जो पुराना सेल होता है उसको पितृ कोशिका या फिर पेरेंट सेल या फिर उसी को ही मदर सेल बोला जाता है, और जो बाद में पैदा हो जो बाद में नई कोशिका का निर्माण होता है उसको संतति कोशिका या फिर डॉटर सेल बोला जाता है। तो यहाँ जैसे ये हो गया आपका मातृ सेल और इसको जो बोला जाता है डॉटर सेल संतति कोशिका। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पुरानी कोशिका होता है उसको मातृ कोशिका या फिर पेरेंट सेल या फिर उसी को ही मदर सेल बोला जाता है, और जो नया कोशिका का निर्माण होता है उसे डॉटर सेल या फिर संतति कोशिका के नाम से जाना जाता है, और यही संतति कोशिका ही बाद में फिर से पेरेंट सेल बनकर नई कोशिका का निर्माण करता है या फिर संतति कोशिका का निर्माण करता है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसलिए मैं आज इतना ही तक बता दिए रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे इसके जो असूत्री होता है, समसूत्री होता है और फिर ये अर्धसूत्री होता है, इसमें किस प्रकार से और कोशिकाओं का मतलब किन किन अवस्थाओं से फिर नई कोशिका का निर्माण होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। आप लोग वीडियो देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। जय हिंद।